आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के अधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया और कहा कि शहर से कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। सरकार ने लॉकडाउन तो खोल दिया है लेकिन साप्ताहिक बंदी में छूट नहीं दी गई है, इसलिए साप्ताहिक बंदी को एक दिन किया जाए और इसका समय भी घटाया जाए। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। फेडरेशन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सोबती ने कहा कि कोविड 19 के आंकड़े शहर में बेहद कम आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने भी लॉकडाउन को खोल दिया है लेकिन दो दिन की साप्ताहिक बंदी लागू है। व्यापारियों की मांग है कि दो दिन की साप्ताहिक बंदी में ढील दी जाए, क्योंकि व्यापारियों के अधिकांश दुकान 10 बजे के बाद खुलती है। बाजार खुलने का समय बढ़ाया जाए, कोरोना काल में व्यापारियों की हालत बेहद खस्ता है, आर्थिक स्थिति खराब है। इसको ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को ज्यादा समय के लिए बाजार खोलने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही दो दिन की साप्ताहिक बंदी को एक दिन किया जाए। जितनी ज्यादा समय तक बाजार खुलेंगे उतने ही लोगों की कम भीड़ होगी। बाजारों के कम खुलने की वजह से लोगों की भीड़ मार्केट में जमा होती है। एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन दिया हम लोगों ने, आगरा के अंदर जो बाजार का टाइम दिया हुआ है सवेरे 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, उस समय को रात को 9 बजे तक किया जाए और कर्फ्यू का टाइम रात को 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक किया जाए। कारण क्या है, 7 बजे बाजारों में इतनी भीड़ हो जाती है तो लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, कंजेस्टेड हो जाते हैं, चौराहों पर जाम लग जाता है इस कारण। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो बाजार में निकल नहीं पा रहा है परचेजिंग के लिए, इकट्ठा 6 बजे 7 बजे जब निकलता है तो बाजार बंद होने का समय होता था, भीड़ बढ़ जाती है। एडीएम सिटी को दिया है ज्ञापन, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? एडीएम सिटी ने आश्वासन दिया, एडीएम सिटी साहब ने बोला है हम सीरगी डीएम साहब से मिलकर के इस पर कार्रवाई करेंगे और ऊपर मुख्यमंत्री साहब को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये ज्ञापन भेजेंगे। बड़ा सवाल है कि कई दुकानदारों की शिकायत थी कि पुलिस कर्मी या पुलिस प्रशासन 7 बजे से पहले आके उन्हें तंग करता है, उनका शोषण करता है, दुकान बंद कराते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, ऐसा देखिए नियम के अनुसार सब चीज़ें होनी चाहिए। मैं समझता हूँ 7 बजे का अगर गवर्नमेंट का टाइम है, प्रशासन का टाइम है, तो 7 बजे व्यापारी को स्वतः दुकान बंद कर देना चाहिए। जैसा कि देखने में आया ये चीज़ें बहुत कम सुनने में आ रही हैं, इस बार पुलिस का भी सहयोग पूरा रहा है। पुलिस ने जो हर साल होती थी पुलिस की शिकायत मिलती थी, इस बार शिकायत भी बहुत कम देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, ऐसा नहीं है जाकर के। आज हम यहाँ आगरा के व्यापारियों और समस्त प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। इस ज्ञापन में हम लोगों ने लॉकडाउन पिछले करीब 1.5 महीने से चल रहा है और उसमें आंशिक छूट भी दी जा चुकी है। अब समय आ गया है कि जब कोरोना के केसेस शासन प्रशासन के अथक प्रयासों से काफ़ी सीमित हो गए हैं, अब आर्थिक गतिविधियों को जोर देने के लिए, उनको पटरी पर लाने के लिए ये समय की पुकार है कि बाजारों में जो अभी 2 दिन की साप्ताहिक बंदी की जा रही है उसको घटा करके 1 दिन कर दिया जाए और जो समय 6 बजे से शाम को 7 बजे का दिया हुआ है उसको 6 बजे से 9 बजे तक का कर दिया जाए। इस प्रकार की मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से की है और इसी संदर्भ में एक ज्ञापन, डीएम साहब उपस्थित नहीं थे, एडीएम सिटी साहब के माध्यम से वो ज्ञापन हमने सौंपा है। क्योंकि सर एक बड़ा सवाल है, साप्ताहिक बंदियां खुलने के बावजूद लोगों की भीड़ बाजारों में एक साथ बढ़ती है। जी आप जो बात कह रहे हैं, इसीलिए ही बाजारों का समय बढ़ाना चाहिए। जितने भी बाजारों के घंटे कम होंगे उस समय में ज़्यादा लोग बाजार में आएंगे और जब घंटे बढ़ा दिए जाएंगे, बाजार का समय बढ़ा दिया जाएगा तो प्रति घंटा ग्राहकों की भीड़ कम हो जाएगी, ऐसा मानना है, और इसलिए लंबे समय के लिए बाजार खोले जाएं ये है। दूसरे 6 बजे 7 बजे कोई बाज़ार खुलता नहीं है, वो एक बेमानी है। बाजार सब 10 बजे के बाद ही खुलते हैं, तो वो जो सवेरे 3 घंटे का समय दिया गया है उससे किसी भी व्यापारी को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। केवल ब्रेड सब्जी दूध, इसके अलावा और किसी भी दुकान का सवेरे खुलने से फ़ायदा नहीं है और वो तो लॉकडाउन में भी खुली हुई थी। अतः जो बाज़ार खोलने का समय है उसको कम से कम 9 बजे किया जाए, ये हमारी मांग है।